ऑन ऑफ। भारतीय सैनिक के लिए बहुत अच्छा है, अगर फायरिंग में करता है तो अलर्ट हो जाएगा पहले। अच्छा, सिम बना रहे हैं जी की, जियो एयरटेल तो निकल ही गया है, तो आर सिम बनाने के लिए मेरा चाहत है और अच्छा। पूरी दुनिया में, और उसमें क्या होगा, गरीबों को मैं 1.5 साल के लिए मैं फ्री करेंगे। फ्रांस जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, तो वहाँ से क्या बनाने को सोचे हैं? फ्रांस, वहाँ पे मिसाइल बनाएंगे। मिसाइल बनाएंगे जी। तस्वीरें में जिस लड़के को आप देख रहे हैं, लड़का कोई साधारण लड़का नहीं है। जी हाँ, भागलपुर के इस लड़के को युवा वैज्ञानिक कहा जाता है, जिन्होंने ऐसा आविष्कार किया है जिसमें ताली बजाते ही जो बल्ब है वो जलना शुरू हो जाता है, अगर आप दोबारा ताली बजाएंगे तो बल्ब बंद हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं इन्होंने बिहार के लाल अद्भुत आविष्कार किए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे ये सामान रखे हैं जिससे बहुत कुछ बनाते हैं, आविष्कार करते हैं। नाम क्या हुआ आपका? रमानंद पासवान। अच्छा रमानंद जी, बताइए अभी क्या कर रहे हैं आप? मैं हार्डवेयर करता हूँ। अच्छा, मैं गांव में ही रहता हूँ। हाँ जी। अच्छा, इतना मतलब ये ठेठ गांव में रहते हैं जहाँ पर जाने के लिए रोड भी अच्छा नहीं है, ये सब कैसे सीख लिए बनाने उनाने का? तो मतलब करते करते माइंड में आ जाते हैं ना, तो माइंड में कर लेते उसका, फिर मतलब यूज कर लेते हैं माइंड। अच्छा, ये बताइए अभी तक आप क्या क्या बना चुके हैं? मैंने मतलब एक टॉर्च, मतलब ऐसा टॉर्च बनाया जो कि आपके कहने पर ही बनेगा और दोबारा बोलेगा तो बंद हो जाएगा। अच्छा, यानी कि हम बोलेंगे तो टॉर्च बनना शुरू हो जाएगा और बोलेंगे तो फिर बंद हो जाएगा जी। अच्छा, हम मतलब एक बचपन से ही मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स में मुझे काफी दिलचस्पी थी। हाँ। इंजीनियरिंग करना चाहते लेकिन पैसे अच्छा, नहीं थे। इंजीनियरिंग करना चाह रहे थे लेकिन पैसे के अभाव में। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी मेरा मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं जी। यानी कि मजदूरी करने वाले के बेटे ने कर दिया अद्भुत आविष्कार, ये देख सकते हैं। जैसे ही आप ताली बजाइएगा ये बल्ब जलना शुरू हो जाता है, या फिर बोलिएगा, कुछ भी बोलिएगा तो ये बल्ब जलना शुरू हो जाएगा और फिर बोलिएगा तो ये बंद हो जाएगा। ये बताइए कि बनाने में कितने टाइम लगा इसे? ये बनाने में पहले बहुत मुझे बहुत टाइम लगा था रिसर्च करने में, अभी हाँ। तो मैं 5 मिनट में ही बना देता हूँ। 5 मिनट में बनाते हैं? तो क्या इसे मार्केट में भी देते हैं क्या कि लोग जला वाला सके? इसका एक इंडस्ट्री होगा, कंपनी होगा। हाँ। तो ये फिर उसके बाद पैटर्न होगा, पैटर्न होने के बाद जो मेड इन इसका इंडिया होगा, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट पूरी दुनिया में चलाएगा, देश विदेशों में इसको यूज किया जाएगा, फिर जितना भी चाइना है वो प्रोडक्ट तो बैंड किया जाएगा और अच्छा, फिर मेड इन इंडिया चलेगा। अच्छा, यानी कि चाइना का प्रोडक्ट को एकदम बंद करा देना और मेड इन इंडिया रहेगा। जी जी। अच्छा, ये बताइए कि आपके पिताजी मजदूरी करते हैं, इसके बाद ये सब पैसे कहां से आते हैं बनाने उन्होंने के लिए? मतलब हम ये जो आर्थिक सहायता जो होता है ईसीपुर बाराहाट फाउंडेशन की तरफ से, मुझे विदेश यानी कि मदद किया जाता है जी, ईसीपुर बाराहाट राजन सर के जरिए से हमको मतलब पैसा मिलता है। अभी तक क्या क्या बना चुके हैं आप? एक मैंने शुरू में फर्स्ट में बनाई थी मोबाइल से जरिए से, मैंने रॉकेट को अनेक किलोमीटर दूरी से उड़ाते हैं, मतलब यहीं से हाँ। कहीं भी उड़ा सकते हैं। अच्छा, हम चाहेंगे कि अभी आप बिना बोले इसे जलाकर दिखाएं, क्योंकि बोलने पर ये लगातार ऑन ऑफ हो रहा है। हाँ, आप सबको बोलिए कि शांत रहने के लिए मैं इसको अलर्ट कर दूं। ये जो है ऑफ ऑन ऑफ 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 ऑन, ये ताली से भी होता है। अच्छा, ताली से बिना बोले हम चाहेंगे कि आप ऑन ऑफ करके ये जरा बताइए। बिना बोले? हाँ, बिना बोले। ये देख सकते हैं कि जैसे ही ये ताली बजा रहे हैं या फिर बोल रहे हैं, उसके बाद ये जो बल्ब है वो जलना शुरू हो जा रहा है, और फिर जब दोबारा बजाया जा रहा है, दोबारा बोला जा रहा है, उसके बाद ये बंद हो जा रहा है। क्या बोल रहे थे आप? मुझे मतलब विदेश से, देखिए फ्रांस की तरफ से मुझे आर्थिक सहायता के लिए अच्छा। मुझे पासपोर्ट भी बनाया है, मुझे अच्छा, वहां से फ्रांस भी जाना है आपको? जी। कब जाना है? मुझे 23 जनवरी का थी, मतलब टाइम था, लेकिन वो कोरोना के चलते नहीं जा पाए, और इधर भी मुझे टाइम था तो इधर मार्कपीट युद्ध चलने लगा। तो अच्छा, फ्रांस जाके आप क्या करेंगे वहाँ? वहाँ रिसर्च सेंटर हमको बुलाया गया है, वहाँ पेटेंट इसका होता है। वाह वाह, यानी कि आपके आविष्कार जिस प्रकार से आप किए हैं, इस अद्भुत आविष्कार को देखते हुए फ्रांस से आपको बुलाया गया? जी, फ्रांस, अमेरिका, जर्मनी सब बुलाया गया, लेकिन हमने फ्रांस सेलेक्ट किया। अच्छा, तो कहां से मतलब ये सब पैसा आता है? अभी तक क्या क्या बना चुके हैं आप? तो अभी तक जितना भी है आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ। ये मेडल उडल भी है? मेडल उडल भी मिला है आपको? हाँ, ये भागलपुर में जिला लेवल में मुझे फर्स्ट प्राइज मिला। ये देख सकते हैं कि आपका एज कितना होगा लगभग? अभी तो 23 हो रहा है। 23 होगा? महज 23 साल में जिस उम्र में बच्चे पढ़ाई करते हैं, उस उम्र में इन्होंने ऐसा करके दिखाया है जो शायद ही कोई कर सकता है। आप देख सकते हैं बहुत सारे आविष्कार किए, जैसा कि ये
बल्ब है, जैसे ही हम बोल रहे हैं उसके बाद ये ऑन ऑफ हो रहा है, एक और लाइट है, इसके अलावा और भी बहुत चीजें बनाए हैं और भी लगातार आविष्कार करने को सोच रहे हैं। हम फाइबर रिसर्च कर रहे हैं, मतलब एक सिम बना रहे हैं, जो कि जियो एयरटेल तो निकल ही गया है, तो आर सिम बनाने के लिए मेरा चाहत है और पूरी दुनिया में, और उसमें क्या होगा गरीबों को मैं 1.5 साल के लिए मैं फ्री करेंगे और उसके बाद फिर मतलब 1.5 साल के बाद ही गरीबों से मतलब कुछ मतलब और क्या कुछ बनाने को सोचे, फ्रांस जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, तो वहाँ से क्या बनाने को सोचे हैं? फ्रांस वहाँ पे मिसाइल बनाएंगे जी। अच्छा, एकदम उम्मीद है कि मिसाइल बना लेंगे। कई बार हुनर दिखाए सोशल मीडिया पे, देख लीजिए मेरा आईडी खोलो। लेकिन भाई इसके लिए तो बहुत पढ़ना पड़ता है, अभी तो आप छोटा है। देखिए हुनर किसी उम्र और डिग्री की मोहताज नहीं होता है, यानी कि जब जिंदगी में हुनर हो कुछ करने का तो एकदम पॉसिबल है, करके एकदम दिखाएंगे और पूरे जिला का नहीं देश का नाम रोशन करेंगे। जी उम्मीद लग रहा है पूरा, एकदम पूरा उम्मीद कि हम करके दिखाते हैं, जो बोल देते हैं वो करके दिखाते हैं। सोशल मीडिया आप देख लीजिए, मेरा एक पेज है वैज्ञानिक रामानंद और दूसरा है अभिनेता रामानंद और तीसरा यूट्यूब चैनल है मेरा रामानंद पासवान। तो इसके लिए रात दिन आप रिसर्च ही करते रहते हैं क्या? हाँ, रिसर्च करते करते मैं मतलब थोड़ा बीमार हो गया, मैं अभी मैयागंज में शिफ्ट हूँ। अच्छा, बीमार भी हो गए रिसर्च करते करते। जी, और इसके अलावा और क्या कुछ सोचे हैं? और मेरा बहुत सारा हुनर है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं इनको जो है सरकार की तरफ से मदद करना चाहिए, ताकि गरीब हैं और जिस प्रकार से आविष्कार किए हैं वाकई में ये तारीफ करने वाली बात है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आप बने रहे हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।